दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही इजी स्नैक्स रेसिपी। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडिबिटी चैनल में। सबसे पहले हम कुछ मसाले भूनेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ली है, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा। अब हम इन्हें धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने जीरा डाला है, अब साबुत धनिया। इन्हें पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फिर लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसे थोड़ा सा ठंडा करके एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, ये तैयार है। अब मैंने यहाँ भीगे हुए चावल लिए हैं। मैंने 1 कप चावल को रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था। इसका पानी पहले ही निकाल दिया है। चावल को मिक्सर जार में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है। इसे पीसकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को जरूर ध्यान में रखें। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर को हम बाउल में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। मैंने यहाँ 10 से 12 अरबी के पत्ते लिए हैं। यूज़ करने से पहले आप इन्हें अच्छे से धुलकर साफ कर लें। इस पत्ते में मोटा सा डंठल लगा होता है, जिसे मैंने पहले ही काट कर अलग कर दिया है। अब हम पत्ते को इस तरह रख कर इस पर बैटर अप्लाई करेंगे। बैटर लगाते समय ये थोड़ा सा चिपकेगा, क्योंकि ये चावल का पेस्ट है। बैटर लगाने के बाद हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पत्तों पर बैटर लगाकर रोल तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें एक स्टीम पॉट लेना है। इसमें हम 2 से 3 कप पानी डालेंगे। इसके ऊपर इसका जाली वाला बर्तन रखेंगे। इसकी जाली पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद हम रोल्स को इस पर रख देंगे। एक बार में जितने भी रोल्स बर्तन में आ जाएं, आप उतने ही रोल्स रखें। ढक्कन लगाकर इसे स्टीम देंगे। 7 से 8 मिनट में रोल को पलट देंगे, जिससे दूसरी साइड भी अच्छे से स्टीम हो जाए। जब ये अच्छे से स्टीम हो जाए, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम रोल्स का दूसरा बैच भी स्टीम कर लेंगे। अब हम इन्हें इस तरह पीसेस में काट लेंगे। आप इनका साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे बने लाइक बटन को दबा दें और छोटे रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, मैंने सारे रोल्स काट कर रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। ध्यान रहे कि आंच आपको मीडियम टू हाई रखनी है। अब सारे पीसेस को इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाएंगे। आपको ये कितने क्रिस्पी पसंद हैं, आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, ये सारे फ्राई हो चुके हैं। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे।
तेल के गर्म होने पर इसमें जाएगा आधा टीस्पून साबुत जीरा। जीरे को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए पीसेस डालेंगे। थोड़ा चलाने के बाद इसमें जाएगा नमक स्वादानुसार। एक टीस्पून आमचूर पाउडर, दरदरा पिसा हुआ मसाला जो मैंने पहले तैयार किया था, इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप पिसा हुआ मसाला कम डालें। मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।